Morning, dear students. Today is 1st April 2020. I am Bharati Das, teacher of political science of year 1 in class 12. Today we are going to study the first chapter of our contemporary world politics. The name of the chapter is Cold War Era. The Cold War Era lies between 1945 to 1991. So why we select these 2 years? There is a reason behind it. 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुई थी और उसके साथ ही हम मानते हैं कि वर्ल्ड जो था वो दो सुपर पावर्स के बीच में उनके युद्ध के बीच में उनके कोल्ड वॉर के बीच में स्टक हो गया था एंड इन 1991 द वन सुपर पावर यूएसएसआर वॉज डिस इंटीग्रेटेड इन टू 15 इंडिपेंडेंट नेशंस एंड दस द एंड ऑफ कोल्ड वॉर. सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट बिटवीन 1914 टू 1918. The organization that was formed that time was League of Nations, which was unsuccessful to, you know, prevent war. So, Second World War हुई हमारी 1939 से लेके 1945 तक और जो organization बनी उस time पर वो थी हमारी United Nations. It was formed on 24th of October 1945, जो अभी भी जो है वो successfully अपना काम कर रही है. Now, let's discuss about the Cuban Missile Crisis. Cuban Missile Crisis was the first topic of our Cold War era. The three leaders are main here. One has Cuban President Fidel Castro. Second one is President of Soviet Union Nikita Khrushchev. And the third one is President of USA John F. Kennedy. Cuba basically is an island nation which is very near to USA. ये उस टाइम पीरियड में सोवियत यूनियन की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा था एंड इट वॉज गेटिंग डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड फ्रॉम यूएसएसआर. सो 1962 में निकिता क्रुश्चेव ने क्या किया, अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स वहां पर लॉन्च करने स्टार्ट कर दिए एंड उसको रशियन बेस में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया. बट यू नो अमेरिकन्स वर नॉट अवेयर अबाउट दैट. आफ्टर 3 वीक्स अमेरिकन्स एंड जॉन एफ कैनेडी बिकेम अवेयर ऑफ इट. उनको जानकारी मिली इस चीज़ की एंड कैनेडी ऑर्डर्ड हिज वॉरशिप्स टू ब्लॉकेट द वे ऑफ सोवियत शिप्स विच वर हेडिंग टूवर्ड्स द क्यूबा. उन्होंने बोला क्यूबा की तरफ जितने भी सोवियत शिप्स आ रहे हैं उनको उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया जाए. और पूरे वर्ल्ड को ऐसा लगने लगा, इट वॉज द यू नो पूरे वर्ल्ड को ऐसा लगा कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर को कोई भी नहीं रोक सकता क्योंकि दोनों सुपर पावर्स जो थी दे वर कन्फ्रंटिंग ईच अदर दैट टाइम, एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी थी. बट अ साइ ऑफ रिलीफ वॉज दैट कि जो निकिता क्रुश्चेव थे ही डिसाइडेड टू यू नो कॉल बैक हिज शिप्स. उन्होंने अपनी वॉरशिप्स को वापस बुलाना स्टार्ट कर दिया और जो हमारे जो वेपन्स वहाँ पर लॉन्च किए जा चुके थे वो भी वहाँ से रिमूव कर दिए गए. इट वॉज कंसिडर्ड द हाई पॉइंट और द पीक पॉइंट ऑफ कोल्ड वॉर एरा बिकॉज ऑल दिस हैपेंड इन अक्टूबर मंथ. दैट्स व्हाई वी कॉल इट अक्टूबर क्राइसिस एज वेल. बिगन अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कोल्ड वॉर. वी आर कंटिन्यूसली टॉकिंग अबाउट कोल्ड वॉर एरा. सो कोल्ड वॉर क्या थी ये जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है. इट वॉज बेसिकली एन आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू सुपर पावर्स यूएसए एंड यूएसएसआर. USA followed the ideology of liberal democracy and capitalism. ये always जो थे हमेशा वो civil liberties की बात करते थे और market economy की बात करते थे. Market economy आप पढ़ेंगे अपनी economics की book में अच्छे से. So USSR was followed the ideology of socialism and communism. ये हम previous class में पढ़ चुके हैं इनकी ideology के बारे में. Basically ये Karl Marx की ideology थी इसलिए इसे हम Marxist और ideology भी कहते हैं. Now हम थोड़ी सी history जानते हैं पीछे की. The Second World War was fought between Axis and Allied Powers. Allied Powers में USA और USSR एक साथ थे और उन्होंने Axis के खिलाफ जो था वो वॉर किया था. अब जब Second World War continuously चल रहा था अगस्त 1945 में US dropped 2 nuclear bombs on Japanese cities Hiroshima and Nagasaki. They both had code names. Bombs के code name थे, one was Little Boy which was fallen on Hiroshima and which was dropped on Nagasaki had the code name Plant Man. This decision was both criticized and supported. Critics में जो थे वो हमारा USSR भी आ रहा था. उसने कहा कि एशियन कंट्रीज में क्योंकि USSR अपनी आइडियोलॉजी को इन्फ्लुएंस करता जा रहा था, उनको लगातार इंक्रीज करता जाता अपना इन्फ्लुएंस, इस वजह से जो था USA ने अपनी पावर USSR को दिखाने के लिए वहाँ पे बॉम्ब ड्रॉप किए. और जो सपोर्टर्स थे उन्होंने कहा कि अगर बॉम्ब ड्रॉप नहीं होते तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड नहीं होती. बट वॉट एवर द रीज़न The consequence was that the rise of 2 superpowers in the world. And there is one more thing, logic of deterrence भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि both the superpowers always behave rationally.
इन्होंने कभी भी अपनी कोल्ड वॉर को हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं होने दिया. दे आर ऑलवेज बिहेव रैशनली एंड रिस्पॉन्सिबल एक्टर्स. इनके एलाइज भी जो थे वो रिस्पॉन्सिबल एक्टर्स जैसे बिहेव करते. इन योर होमवर्क असाइनमेंट अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स डिस्कस्ड टुडे. सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. स्टे होम, स्टे सेफ, गुड डे.